हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DFCCIL का जो मेंस एग्ज़ाम आपका हुआ है उसके अंदर आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, किस सेक्शन में आपको कितना स्कोर करना था और किस सेक्शन पर आपको जोर देना था और कितने कैंडिडेटों ने कितना अटैम्प्ट किया। तो अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट के अटेम्प्ट कितने हुए हैं और अटेंडेंस की अगर मैं बात करता हूं तो अटेंडेंस इसके अंदर जो है 75 to 80% अटेंडेंस रही थी। बहुत से कैंडिडेटों का जो है टाइम की वजह से भी ये क्वेश्चन, ये जो एग्ज़ाम है छोटा है, तो आप 80+85 मान सकते हैं कि अटेंडेंस आपकी रही है। इससे ज़्यादा अटेंडेंस अगर आपकी रही होगी तो मानकर चलिएगा कि कोई नोटिस आपका आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि अटेंडेंस जो है वो मैक्सिमम ही रही है, ऐसा नहीं है कि 60% या 40% अटेंडेंस रही है। अगर मैं बात करता हूँ अटेम्प्ट की, तो देखिए सभी ने जो है 100 से प्लस ही अटेम्प्ट किए हैं। बहुतों ने 110 प्लस भी किए हैं और बहुतों ने 120 भी किए हैं। तो 120 वाले कैंडिडेट तो आप सभी जानते हैं कि वो किस तरीके के हैं। 1% कैंडिडेट हो सकते हैं 120 वाले कि वो लॉयल कैंडिडेट हों, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्हें 120 कर दिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। मैं अगर मैं बात करता हूँ कि आपको कहाँ नंबर खींचने थे इसमें, तो देखिए 96 मार्क्स का जो आपका पेपर था CRM और इकोनॉमिक्स को छोड़कर, उनमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर खींचने होंगे, क्योंकि CRM और आपका इकोनॉमिक्स के जो सवाल आए थे वो हर कोई कैंडिडेट उनके जवाब दे पाए ऐसा ज़रूरी नहीं था। अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, एग्जैक्ट सवाल उसके अंदर नहीं आए थे। अगर आपने योजना वगैरह के बारे में पढ़ा था तो आप उसको एनालाइज करके 4 में से 1 सही आंसर को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको योजना की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और फिर भी आपने उसको अटेम्प्ट किया, देखिए कुछ सवाल ऐसे थे जो सेंस बेस्ड थे, तो आप उनको सेंस अगर आपका वहाँ पर अच्छा चल गया तो आप उसको कर सकते थे। तो अगर मैं मान के चलता हूँ एवरेज अटेम्प्ट, तो आप 100 अटेम्प्ट जो है 100 में से 100 अटेम्प्ट जिसने भी किया है वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। 90-95 प्लस भी अगर किसी ने किया है तो वो भी एक अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि जो 90 और 95 वाले हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी 100 से ऊपर जो कैंडिडेट निकले उनसे अच्छी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, तो देखिए अगर किसी, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, अगर किसी कैंडिडेट ने 100 सवाल किए हैं और जाहिर सी बात है उसके 16 सवाल जो हैं गलत हो गए। देखिए इतने एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं, 16 मान लीजिए या 12 मान लीजिए, अगर आप उसके मान लीजिए 16 सवाल गलत हो जाते हैं टोटल ओवरऑल पेपर में मिलाकर, तो उसके मार्क्स कितने आएंगे? 84 का अगर हम डिवीज़न करेंगे 4 से, क्योंकि नेगेटिव भी कटाना है, तो उसके नंबर कितने बचाएंगे? 79। ऐसे ही करके आप 12 का मान लीजिए कि किसी के 12 गलत होंगे, किसी के होंगे 10 गलत, 4 या 3 कैंडिडेट लीजिए जिनने उन्हें 100 अटेम्प्ट किया है और अपने अकॉर्डिंग उसको मान लीजिए कि इतने इतने गलत हुए होंगे, तो आप एक एनालाइज पर पहुंचेंगे कि जब आप उनका एवरेज निकालेंगे तो आपको जो कट ऑफ आएगी वो 80 पर आएगी UR की। अब बहुत से कैंडिडेटों का ये सवाल होगा कि नहीं, किसी किसी के तो होंगे कि 2 सही होंगे 4 सही होंगे, उस मतलब 2 गलत होंगे 4 गलत होंगे। तो देखिए कभी भी जो आपकी एग्ज़ाम की कट ऑफ जाती है वो टॉपर्स के बेस पर नहीं जाती, एवरेज जो मार्क्स होंगे उन पर आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट अभी लेने हैं CBET के लिए, साइको टेस्ट के लिए, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। एवरेज जो अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कट ऑफ क्या है, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, और आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि अगर आप कैटेगरी से हैं तो आप अगर 80 से नीचे भी जा रहे हैं तो आपका हो सकता है कि CBET के लिए सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर आप UR से हैं, अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो UR से अगर आप हैं तो 80 प्लस अगर आपका रो स्कोर बन रहा है क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा, तो आपका कहीं ना कहीं CBET के लिए जो है नाम आ जाएगा। तो स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।